माझी मातो भाई भाई नहीं चाय हता पाई तो नहीं चाय भाई भाई हमें चाय हिसे चाय। दोस्तों नमस्कार, आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रहा होगा क्योंकि प्रॉपर तरीका से मैंने नॉइस डिटेक्शन कॉन करके रखा हुआ है और ये अल्बर्टा का चौक है। और आज हम आपको बताएंगे दोस्तों झारखंड की राजधानी राजनीति के गलियारों में एक बड़ी शब्द निकल के आया है, आप सबने देखा है, माझी मातो भाई भाई नहीं चाय हता पाई। इस बात को लेकर के मैं आज आपके सामने वीडियो करने जा रहा हूँ और ये चौक है, चारों तरफ से थोड़ा सा आवाज शायद आप सबको सही से सुनाई नहीं देगा लेकिन आप लोग समझने की प्रयास करिएगा। माझी मातो भाई भाई क्यों चाय हता पाई नहीं चाय हता पाई, ऐसा नारा क्यों होता है आप सब जानते हैं, लेकिन इस नारा को भी हम आपको आपको बताना चाहते हैं, हम आपको बताएंगे, ये आपको भी सुनना होगा क्योंकि ये जो नारा जिस तरीके से जो माझी मातो भाई भाई नहीं चाय हाथा पाई का जो नारा, ये ऐसे लोगों नारा लगाते हैं दोस्तों जो कि राजनीति में कदम रख करके अपनी रोटी सेकने वाले लोगों का ये नारा है। और ये लोग भाई भाई के नाम पे लोगों को इकट्ठा तो कर लेते हैं लेकिन भाई भाई के नाम पर ही एक दूसरे को ठगने का काम करते हैं। किस तरह से ठगते हैं आपने देखा होगा, पिछले कई दिनों से हमारे झारखंड में दोस्तों बहुत तरह की इस तरह की नारा लगाया जाता है। हालांकि भाईचारे को स्थापित करने के लिए इस तरह की नारा तो इस्तेमाल होती है लेकिन उसकी हिस्सेदारी को चिन्हने का ही एक सुसज्जित तरीका से ये मलम लगाया जाता है। जैसा आपने देखा होगा मूल निवासी आदिवासी भाई भाई, और एक नारा आपने सुना होगा सरना सनातन एक है, सरना सदन एक है, ऐसा ही कई तरह की नारा कई तरह की बातों को लेकर के बताया जाता है समाज के अंदर में, ये फैलाया जाता है दोस्तों कि हम सब भाई भाई, वास्तविक में भाई भाई तो है ही है लेकिन क्यों चाय चिन्ह ताई, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए नहीं चाय भाई भाई हमें चाय हिस्से चाय, तो नहीं चाय भाई भाई हमें चाय हिस्से चाय। और ये मोटिव हम आप सबको इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि झारखंड में जो जिस तरीका से जो बातें चर्चा हो रही है, झारखंड में जिस तरीका से जो चल रहा है कि हम एक दूसरे के साथ हम चल तो रहे हैं और चलने के लिए एकदम तैयार हैं लेकिन जो हमारी हिस्सेदारी की बातों को, हमारी हिस्सेदारी की चीजों को, जो हमारी अधिकारियों को अधिकारों को जब हनन करने की बात करते हैं, हनन करने की जब प्रोपेगेंडा चलाया जाता है तो ये सारी भाई भाई नहीं चाय हिसे चाय, हमें चाय नहीं चाय हाथा पाई, इस तरह की दमम नारा गायब हो जाती है। और गायब होने का सबसे बड़ा रीजन यही है दोस्तों कि हमें चाय भाई भाई चोर चोर मौसारे भाई, इस तरह की तमाम डायलॉग से आप सबको समझने की आवश्यकता है, इस तरह की तमाम डायलॉगों से आप सबको दूर रहने की आवश्यकता है और ऐसा ही तमाम चीजों से आपको देख करके आप अपने कदम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि राजनीति करने वाले लोगों की हमेशा भाई भाई की नारा होती है लेकिन जो समाज के अंदर में एक दूसरे को लूटने चाटने करने का जो प्रोपेगेंडा वो आपको समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इस अल्बर्ट एक्का चौक से मैं आप सबको यही बताने की प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों तो जिस तरीका से जो हमारे झारखंड में जो आंदोलन चलाई जा रही है, एक दूसरे को भाई भाई में लड़ाने की जो प्रयास हो रही है, इसको भी आपको समझना बहुत जरूरी है। समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले भविष्य, आने वाले पीढ़ी के लिए ये आंदोलन चलाई जा रही है। और जो भी इस तरह की नारा लगाते हैं, जो भी इस तरह की बातें करते हैं, ऐसे लोगों को हमें सीमित करने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों की राजनीतिकरण को हमें देखने की आवश्यकता है क्योंकि भाई भाई के नाम पर आप अपने ही हिस्सेदारी की रोटी को छीनने का काम करते हैं, अपने ही हिस्सेदारी की निवाले को छीनने का काम करते हैं। इसीलिए आपको समझना बहुत जरूरी है, भाई भाई के नाम पे लोगों को लड़ाया जाता है, लोगों से एक दूसरे की हकदारी हकमारी करवाया जाता है और ऐसा ही हमारे झारखंड की राजधानी रांची राजनीति के गलियारों में ऐसा ही होते रहता है, होते चलते रहता है, ये आज से ही नहीं सबसे पहले से ही होते रहा है। और इसीलिए दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इस अल्बर्ट एक्का चौक से ऐसे लोगों से हमें दूर रहने की आवश्यकता नहीं है बल्कि समझने की आवश्यकता है, इस चीज को बारीकी से जानने की आवश्यकता है कि हमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी इस अल्बर्ट एक्का चौक से, ये पहला बार ऐसे पब्लिक जगह से मैं आपके साथ ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, वीडियोज कर रहा हूँ दोस्तों। माझी माझी भाई भाई नहीं चाय हता पाई, लेकिन हमें चाय हिस्से चाय।
हमें तो हिस्से चाहिए, नहीं चाहिए भाई भाई, हमें चाहिए हिस्से चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी हम आपको देते रहेंगे दोस्तों।